Guys, I was not expecting this quality at this price range from Ajio. Dresses के नीचे भी हम इसको style कर सकते हैं. ऐसे box में receive हुआ है मुझे. So if I compare this boot with this one. Hi guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another YouTube video. So guys, winters are here finally and मैंने recently ही Ajio से अपने लिए boots order करे हैं, which I will be showing in this video today. And honestly telling guys, I was not expecting this quality at this price range from Ajio. मतलब इतने classy, इतने trendy, इतने comfortable boots at this price range. Honestly, it's too good. So stay tuned till the end of the video. पूरी video देखना. And also I would want to tell you that अगर आप कुछ affordable boots देख रहे हैं ना under budget, like under 1200, 1300, 1000, so you should definitely refer to this video. क्योंकि all the boots are under 1200 in this video. So I will be reviewing it one by one. So guys, the first one are these ankle length boots and इनको मैंने अपने लिए 7 साइज में ऑर्डर किया था. सो बेसिकली जो मेरा इंडियन साइज है लेग का, दैट इज 7 एंड जो हमारा यूके साइज होता है ना, दैट इज ऑलमोस्ट सेम. मैं एक बार स्क्रीन पे साइज चार्ट भी मेंशन कर दूंगी, आप उसमें रेफर कर सकते हैं. जैसे मेरा 7 इंडियन लेग साइज है तो मेरा यूके साइज भी सेम होगा, विच इज 7 ओनली, बट मेरा जो ईयू साइज होगा दैट विल बी 40. मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे साइज चार्ट मेंशन कर रखा है, आप उसको एक बार रेफर कर लेना. सो दीज आर द ankle length boots and this is in the matte black. So this is the boot which I ordered for myself. And मुझे ना हमेशा से चाहिए थे ये, like ये ना हमेशा out of stock show होता था Ajio पे. मतलब इसमें जो usually size in stock होता था that is 5, 4, 6 ऐसे, but मेरा 7 size है. तो मैं हमेशा ना ऐसे देखती रहती थी कि ये कब इन स्टॉक आएगा और मैं इसको जल्दी से लूंगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, बहुत कैजुअल है. इसको हम मतलब डेली वेयर में भी पहन सकते हैं, फिर किसी ड्रेसेस के नीचे भी हम इसको स्टाइल कर सकते हैं. सो इसलिए मैंने अपने लिए सबसे पहले जल्दी से ये ऑर्डर किया था जैसे ही ये स्टॉक में आया था. सो दिस इज द बूट फ्रॉम एडोरली. दीज आर द बूट्स. एज यू कैन सी इसमें ना थोड़ी सी इतनी हील है नीचे से, ये चंकी बूट स्टाइल है. दीज आर द चंकी बूट्स. इसका जो ऊपर का ये लेदर मटेरियल है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. इट लुक्स रियली गुड. मतलब पहन के भी ये स्टाइल करके बहुत अच्छा लगता है. बट आई वुड सजेस्ट आप जब भी ऐसे बूट्स वगैरह पहनो ना, सो ऑलवेज वेयर सॉक्स इनसाइड. इसके मैंने बहुत रिव्यूज देखे हैं Ajio पे एंड इवन ऑन यूट्यूब ऑल्सो. बहुत बेसिक है, बहुत चल रहे हैं एंड बहुत अफोर्डेबल भी है. एंड इसको ना मैं यूजुअली वैसे तो ड्रेसेस वगैरह के नीचे भी पहन सकती हूँ, बट अगर मैं कुछ कैजुअल वेयर कर रही हूँ ना तो ये उसके नीचे भी चल जाते हैं, क्योंकि इसका जो शेड है दैट इज मैट ब्लैक. मतलब कुछ ऐसे शाइन नहीं है, ज्यादा ओवर शाइनी भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छे से मतलब कैरी कर सकती हूँ मैं इनको अपने कैजुअल वेयर के साथ भी एंड इवन विथ माय पार्टी वेयर ऑल्सो. सो इसलिए मैंने ये अपने लिए मंगवा लिए थे बूट्स. एंड इसकी ये जो लेंथ है ये थोड़ा ऐसे एंकल लेंथ तक आते हैं, ऐसे बहुत लॉन्ग वाले नहीं है, बहुत शॉर्ट भी नहीं है, पूरा एंकल लेंथ बूट चाहिए. सो ये किसी ड्रेस के साथ स्टॉकिंग्स वगैरह पे पहन के भी बहुत अच्छे से मैच होंगे. एंड ये मैंने परचेज करे थे फॉर द प्राइस 1122 में. गाइज वन मोर थिंग, ये वाले जो बूट्स है ना इसमें सेम ऐसे बूट्स में और भी कलर्स एंड साइजेस अवेलेबल है Ajio पे. जैसे इसमें एक टैन शेड भी अवेलेबल है और इसमें रेड नेवी ब्लू शेड्स भी अवेलेबल है. उनके प्राइजेस सबके अलग अलग है, बट मुझे फॉर द प्राइस जो सबसे बेस्ट लगा इस वाले एडोरली बूट्स में वो ये था, क्योंकि मैंने इसके काफी रिव्यूज भी देखे हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छा ये है. मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. सो गाइज मूविंग ऑन टू आर अनदर बूट्स फॉर दिस वीडियो आर दीज स्लिप ऑन बूट्स. सो दीज आर द स्लिप ऑन बूट्स एंड इनको तो अभी तक मैंने ज्यादा पहना भी नहीं है, अभी ही रिसेंटली मंगवाए थे ये मैंने बूट्स. एंड ये भी मैंने इन द साइज 7 ही ऑर्डर किया था अपने लिए. दीज आर द बूट्स. इन वाले बूट्स की जो ये शिफ्ट्स है दैट इज मच बिगर एज यू कैन सी इन द वीडियो. एंड गाइज ये इतने क्लासी लगते हैं आफ्टर पेयरिंग इट अप विद अ लेदर ड्रेस. इट लुक्स रियली वेरी क्लासी, क्योंकि इसके ऊपर के जो शाइन है ना, जो उसका लेदर मटेरियल है दैट इज वेरी क्लासी. ऑनेस्टली ये बहुत ज्यादा प्यारा लगता है, बहुत कंफर्टेबल भी है. कुछ ऐसे चीप फैब्रिक नहीं है, जो कुछ बूट्स होते हैं ना बहुत ऐसे चीप लगते हैं, लाइफ बेकार से लगता है, बट
ऑनेस्टली सेइंग ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, स्टाइल करके भी बहुत अच्छे लग रहे थे। एंड इनकी जो हील होती है ना वो मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि मेरे से ना ज्यादा ऐसे वाले बूट्स पहने नहीं जाते। मतलब वो मैं थोड़ी देर के लिए पहन सकती हूँ, बट अगर मुझे कुछ ऐसे बहुत ज्यादा चलना है कहीं पे, तो मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ कि हील इतनी ही हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा हील बूट्स वगैरह में मतलब आई थिंक मैं तो नहीं वेयर कर पाती, बट थोड़ी देर के लिए शूट वगैरह के लिए या फिर कहीं जाने के लिए आई कैन वेयर इट। बट अगर मैं कुछ कम्फर्ट पार्ट पे देख रही हूँ तो मैं ऐसी ही हील प्रेफर करती हूँ। ये इसका दूसरा पेयर, इफ यू कैन सी दिस इज समथिंग लाइक दिस। अगर वीडियो में सही लग रहा है तो पता नहीं कैसे वीडियो बन रहा है, आई एम शूटिंग इट फ्रॉम द बैक कैमरा, बट ओके। सो इफ आई कंपेयर दिस बूट विद दिस वन, सो आई वुड से कि अगर मैं कुछ डेली वेयर के लिए प्रिफर करूंगी, अगर कैजुअली के लिए, तो मैं ये वाले बूट्स पहनूंगी। बट अगर मैं अगर कुछ पार्टी ऑप्शन देख रही हूँ कि अगर मुझे कुछ पार्टीज में लेदर ड्रेसेस वगैरह के नीचे पहनना है, तो आई वुड गो विद दीज बूट्स। तो क्योंकि ये वाले जो बूट्स है ना, आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको इतना शाइन में डेली वेयर में कैरी कर सकती हूँ। बट कुछ लोग ऐसे स्टाइल कर लेते हैं कार्गो वगैरह पे, ये अच्छा लगता है, बट पर्सनली मेरा जो प्रेफरेंस रहता है वो थोड़ा लेस शाइनी रहता है डेली वेयर के लिए। सो अगर मैं डेली वेयर के लिए देख रही हूँ, सो आई वुड गो विद दीज बूट्स। बट अगर मुझे कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए जो मैं डेली वेयर में भी कैरी कर लूँ और पार्टीज में भी कैरी कर लूँ और थोड़ा एक्स्ट्रा शाइन हो, सो आई वुड गो विद दीज बूट्स। सो ये दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, दोनों ही बहुत अफोर्डेबल है। ये वाला भी मैंने 1000 की रेंज में बाय किया था, आई थिंक 1020 समथिंग का था ये, मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ऑल्सो गाइज, तो जैसे मैंने इसको आज ऑर्डर किया तो मेरे को विद इन 2 डेज ये बूट्स रिसीव हो गए थे, ज्यादा लेट डिलीवरी नहीं है इनकी। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट आजियो, दैट डिलीवरी इज वेरी क्विक, वेरी फास्ट। ऑल्सो वन मोर थिंग गाइज, कि 15 डेज इजी रिटर्न है। अगर आपको देखने में अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ भी साइज इशू है, तो 15 डेज इजी रिटर्न है, आप आराम से रिटर्न कर सकते हो। सो गाइज, एक और बूट्स हैं विच आई वांट टू रिव्यू इन दिस वीडियो टुडे। रिव्यू भी क्या, अभी मैंने उसको ठीक से अनबॉक्स भी नहीं किया है। ये दोनों बूट्स तो मैं ऑलरेडी वेयर कर चुकी हूँ, बट मैंने सोचा कि मैं अगर अपना हॉल बना रही हूँ तो मुझे ना एक थोड़े हील में भी बूट्स चाहिए थे जो मैं कभी कभी ऐसे पहन सकती हूँ, नॉट फॉर अ डेली वेयर ऑब्वियसली। तो दिस इज द बूट्स फ्रॉम एडोरली अगेन विच आई एम अनबॉक्सिंग इन दिस वीडियो। ऐसे बॉक्स में रिसीव हुआ है मुझे ये बूट, जैसे मुझे चाहिए थे थोड़े हील वाले, थोड़ी हल्की हील में, एग्जैक्टली ये वैसे ही है। इसको मैं अपने शूट्स वगैरह में डेफिनेटली वेयर कर सकती हूँ, देखने में बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं, एक बार पहन के भी देखती हूँ अभी। एंड गाइस, दिस इज द बूट्स विच आई गॉट फॉर माई सेल्फ। ये सेम इसका जो मटीरियल है ना, वो इन वाले बूट्स की तरह ही है, सेम है, एग्जैक्ट सेम मटेरियल है, बट द डिफरेंस इज ये थोड़ा ऐसी वाली हील है एंड इसकी ये ब्लॉक हील है। दिस इज द ब्लॉक हील एंड पीछे इसमें ये चेन दे रखी है। सो दिस इज द ब्लॉक हील एंकल लेंथ बूट्स, दिस आर द ब्लॉक हील बूट्स। इसका ये जो अंदर मटेरियल है ना बूट्स में, ये बहुत अच्छा एक फोम मटेरियल इन्होंने लगा रखा है, और जो बाकी के जो बूट्स हैं उसमें एज सच ऐसे फोम मटेरियल नहीं है, उसमें अंदर लेदर मटेरियल ही है। इफ यू कैन सी, दूसरे बूट्स में ही अंदर का जो मटेरियल है दैट इज लेदर। सोल इसका बहुत अच्छा है, बट एज आई कैन सी इसमें अंदर एक बहुत अच्छा फोम मटेरियल लगा रखा है। सो दीज सीम्स टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल, एंड एक बार मैं इसको भी स्टाइल करके भी आपको दिखा दूंगी कि पहन के कैसे लग रहे हैं। सो आई अटैच दैट वीडियो हेयर कि ये कैसे लग रहे हैं आफ्टर स्टाइलिंग। एंड ये भी अंडर 1200 की रेंज में ही है, दिस इज फॉर द प्राइस रेंज 1050 का है ये, और ये भी एडोरली ब्रांड का है। एंड ये भी मैंने अपने लिए 7 साइज में ऑर्डर किया था। इसमें ना और भी कलर ऑप्शंस थे, सिल्वर कलर का था, टैन शेड का था, और भी कलर ऑप्शंस थे, मैं सब कुछ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। मुझे उनका कलेक्शन भी बनाना है अब, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है बूट्स वगैरह के कलेक्शन बनाना एंड फुटवेयर वगैरह के। एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको इन सब में से कौन सा बूट सबसे ज्यादा पसंद आया। माई पर्सनल फेवरेट इज दिस वन, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला जो मैंने सबसे फर्स्ट दिखाया था। यू कैन लेट मी नो विच वन इज योर फेवरेट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन पोस्ट देम इन माई कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो गाइज, इफ यू आर न्यू टू माई यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे लिटिल लॉन्गर। थैंक यू, बाय बाय। ओके गाइज, बाय। हो गया शूट। ये वीडियो लिटरली मैंने मुश्किल से
20 मिनट्स में शूट करिए बस. आई थिंक 20 मिनट्स की वीडियो है, थोड़ी बहुत कट वट होके ये 10 मिनट्स में आ जाएगा आई थिंक ये हॉल. गाइस मैं क्विक हो रही हूँ, अब वीडियो शूट करने में मुझे टाइम भी नहीं लगता वीडियो शूट में. बाय.